जो है ये जो है ना न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बेस्ट सेलर नॉवल्स के तौर पे जो है ना वो रहा है और इसको एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है रिवर को और अब हम जो है ना शटर आइलैंड की तरफ आते हैं तो शटर आइलैंड इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे कि पहले भी हमने कहा कि इसमें जो है ना आपको डिफरेंट साइकोलॉजिकल करेक्टर्स नजर आएंगे और उनकी साइकोलॉजी से जो है ना वो प्ले किया जा रहा होगा और इसमें आपको गॉथिक एलिमेंट्स भी दिखाई देंगे डार्क एलिमेंट्स दिखाई देंगे इसकी सेटिंग जो है ना वो एक फार ऑफ आइलैंड की रखी गई है जिसका नाम डा सॉरी uh, शटर आइलैंड है और उसके अंदर जाना एक हॉस्पिटल है जिसका नाम एशक्लिफ हॉस्पिटल है उसके अंदर जाना सेटिंग रखी गई है और 1954 का जाना वो टाइम स्पैन तकरीबन इसके अंदर दिखाया गया और जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो डॉक्टर लेस्टर शीहन जो के एक करेक्टर है इसके अंदर उनके परस्पेक्टिव से जो है ना वो स्टोरी बताई जा रही होती है और थोड़े टाइम के बाद जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये परस्पेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाता है टैडी डैनियल्स पे और टैडी डैनियल्स इज द ऑफ दैट स्टोरी और जो मूवी अडॉप्ट की गई है उसमें भी टेडी डैनियल्स का रोल जो है वो लियोनार्डो प्ले कर रहे हैं जो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा नाउ मूविंग टुवर्ड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी समरी ऑफ द स्टोरी ये नॉवल जो है इसके फोर पार्ट्स है मतलब ये फोर डेज की जो है ना वो स्टोरी बताई जाती है तो इसमें फोर ही चैप्टर्स हैं तो लेट्स डिस्कस ईच चैप्टर वन बाय वन तो नॉवल जो है ना वो ओपन होता है एक जर्नल से जिसपे डॉक्टर लेस्टर शीहन जो है ना वो एक एंट्री ऐड करते हैं मे थ्री नाइनटीन नाइनटी थ्री की डॉक्टर लेस्टर शीहन जो है ना वो अब अपने डेथ बेड पे हैं बहुत बीमार हैं तो वो जो है ना अपनी कुछ मेमोरीज को लिखना चाहते हैं जो कि उन्होंने स्पेंड की थी एशक् हॉस्पिटल में जो कि था शटर आइलैंड पे तो वो जो है ना आप सोच रहे हैं कि मैं जो है वो बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे जो है ना ये मेमरीज खत्म नहीं होनी चाहिए बल्कि मैं इनको लिख लेता हूँ तो फिर जो है ना वो ये अपनी मेमोरीज को लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो जो है ना बताते हैं कि ये जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल दिन था सॉरी मेमोरेबल ईयर था तकरीबन 1954 का जो है ना वो ईयर था और उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं जब वो काम करते थे शटर आइलैंड पे और शटर आइलैंड के ऊपर फिर वैसे थोड़ी डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि वहाँ पे रैड्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और एक बार उन्होंने क्या देखा कि रैट्स क्योंकि वो ज़मीन से काफ़ी दूर था आइलैंड तकरीबन अलेवन माइल्स के फासले पर था तो अब जो है ना वहाँ पर जो रैट्स थे वो गिर गए पानी के अंदर और फिर वो जो है ना तैर के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर लेस्टर जो है ना वहाँ पर कहते हैं कि अगर ये सीन टैडिट देख लेता तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता अब जो है ना ये स्टोरी शिफ्ट होती है टेडी डैनियल्स के परस्पेक्टिव पे अब टेडी है ना वो कौन था ही अ यूएस मार्शल और वो जो है ना सफर कर रहा था आ, आ, शटर आइलैंड की तरफ एचकलिप हॉस्पिटल की तरफ और उसके साथ उसका एक पैटर्न था उसका एक साथी था जिसका नाम था चक यूल अब चक यूल और टेडी डैनियल्स जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं ये दोनों कौन है यूएस मार्शल्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं शटर आइलैंड की तरफ तो अब रास्ते में जो है ना वो पानी को देख के टैडी को याद आता है कि उसके जो फादर थे उसको अपने फादर के बारे में याद आता है कि वो जो थे ना अनसक्सेसफुल फिशरमैन थे वो जो है ना कभी सक्सेसफुल नहीं बन सके और उनको जो है ना एक स्ट्रॉम के अंदर उनकी डेथ हो गई थी वाटर स्ट्रॉम के अंदर तो तब से जो है ना वो टैडी को भी जो है ना वो एक फ्राइट क्रिएट हो गया था वाटर का वाटर सिकनेस या सी सिकनेस इसको कहते हैं वो उनको हो गई थी तो वो उसको देख के अनकम्फर्टेबल वाटर को देख के वो क्या हो रहा है अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है और उनके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है मिग्रीन स्टार्ट हो जाता है ओके जी थोड़ी देर रेस्ट के बाद वो जाना वापस उठते हैं और चक के दरमियान में और उनके दरम्यान में जो है ना टैडी के दरमियान में थोड़ी कॉन्वो स्टार्ट होती है तो इस दौरान में ना टैडी नोटिस करता है कि जो चक यूल है उसके हैंड्स जो है ना वो ज्यादा ही डेलीकेट है कि मतलब एक मार्शल के जो हैंड्स हैं वो इतने डेलीकेट नहीं होने चाहिए फिर जो है ना जो चाक्यूल है वो उनको ऑफर करता है ड्रिंक और सिगरेट ड्रिंक वो पीने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जो है ना अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो है ना वो ड्रिंक नहीं करते थे बाकी सिगरेट जो है ना वो उनसे पी लेते हैं और उनके साथ मिलकर पी लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो अपनी वाइफ के बारे में भी बताते हैं चाक्यूल को कि उनकी वाइफ की दो साल पहले जो है ना वो घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी अच्छा जी अब जो है ना इनकी बातें चलती रहती हैं और वो पहुँच जाते हैं शटर आइलैंड पे शटर आइलैंड पे जाना वो पहुंच के उनको जो है ना एक पुलिस ऑफिसर भी जो है ना वो मिलता है और उनको डिफरेंट जाना वो चीजें वगैरह रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं तो वहां पर जो है ना वो डैडी देखते हैं कि एक लाइट हाउस है जिसकी बहुत ज्यादा निगरानी की जा रही है तो वो इसके हवाले से पूछते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनको बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जाना जो सवेज लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और एक्चुअली हॉस्पिटल भी बेसिकली जो है ना वो जो क्रिमिनली इंसेन लोग थे मतलब ऐसे क्रिमिनल्स जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल थे जो पागल हो गए थे क्रिमिनल्स या पागलपन वाली हरकतें करते थे उनको जाना एचकलीफ हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता था अब वो जो को बताते हैं कि यहाँ पे जो सवेज लोग हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा टाइट है फिर वो उनको फर्दर डॉक्टर कौली के बारे में बताते हैं अब डॉक्टर कौली कौन है इज द हेड ऑफ एच क्लेफ हॉस्पिटल वो जो है ना हेड साई एक्ट्रेस है वहां पे उसके बाद जो है ना वो मिलते हैं डॉक्टर कॉली से और डॉक्टर कॉली उनको बताता है कि उनको जो है ना, यहाँ पर बुलाया गया है रैचल सोलैंडो जो कि जो है ना यहाँ पे एक क्रिमिनल थी उनको जो है ना रखा गया था और वो जो है ना भाग गई हैं तो उनको सर्च करने के लिए इन दोनों को यहाँ पे बुलाया गया अब रेचल सिलान्डो का क्या क्राइम था कि उन्होंने जो है ना अपने बच्चों को मारा था तीन बच्चों को जो है ना वो अपने मारा था उन्होंने और मारने के बाद जो है ना वो वहीं पर खाना खाने बैठ गई तो जब नेबर्स में जो है ना लोगों ने उनको देखा कि उन्होंने अपने तीन बच्चों को मार दिया तो उनको फिर जो है न पुलिस ने अरेस्ट किया एंड देन उनको यहाँ पर भेज दिया गया क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बहुत इल थी उसके बाद जो है ना उनको विजिट कराया जाता है उस सलांडो का कैबिन जहाँ पे उनको रखा गया होता है तो वहां पर जो है ना वो उनको एक हिंट मिलता है एक समथिंग रीडल लाइक मिलती है तो वो क्या होता है द लॉ ऑफ फोर आई एम फोर्टी सेवन यू आर थ्री वी आर फोर बट हुए सेवन ये एक रीडल टाइप हिंट मिलता है उनको रेचल सोलैंडो के जो है ना वो कैबिन से जो उनको उस टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो वो जो है ना वो लेके से आते हैं और उसके बाद जो है ना वो ये डिक्लेयर करते हैं डिसाइड करते हैं चाक्यूल्ड और टैडी के रिचल सलांडो को भगाने में जरूर हॉस्पिटल के अंदर ही कोई बंदा है जिसका हाथ है तो तब जो है ना वो शक करते हैं डॉक्टर लेस्टर शीहन पे लेकिन जो कॉली है वो उनकी फाइल दिखाने से मना कर देता है तो फिर जो है ना वो टैडी सोचता है कि मे बी जो डॉक्टर शीहन है वो जो है ना ही वाज इन लव विद रेचल सलैंडो क्योंकि वो जब उनकी पिक्चर देखते हैं तो रेचल सलैंडो वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी तो वो कहते हैं मे बी इसलिए उसने जो उसके भागने में हेल्प की अच्छा जी उसके बाद जो है ना वो रात हो जाती है और वहाँ पे रेन स्टार्ट हो जाती है काफी स्टॉर्मी और चाक्यूल और टैडी जो है ना वो पोकर खेलने लग जाते हैं जिसमें चक जो है ना वो जीत जाता है और फिर जो है ना वो दोनों सोने चले जाते हैं अब जब टैडी जो है ना वो सोता है तो उसको अपनी वाइफ जिसका नाम था डोरोस डोलोरस चैनल और वो जो है ना उसको वाइफ अपनी नजर आती है ख्वाब में और उसके बाद जो है ना वो एकदम से उठ जाता है और चाक्यूल को कहता है कि मुझे हिंट मिल गए हैं कि रैचल जो है ना वो कहाँ जा सकती है तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो डॉक्टर कॉली के पास जाते हैं और डेडी उनको बताता है कि जो एक हिंच मिला था उनको रेचल के रूम से उनको जाना, उसकी समझ आ गई है उसके अंदर जो है ना जो उन्होंने बात की है उस तो तो टोटल टो टो, जितने नंबर से ना अगर हम उनको ऐड करें तो वो थर्टीन बनते हैं और रेचल के जो लेटर्स हैं नाम के लेटर्स हैं उसमें भी जो है ना वो थर्टीन लेटर्स हैं रेचल सोलैंडो में थर्टीन लेटर्स हैं और उसके बाद क्योंकि उसने अपने तीन बच्चों को मारा था तो जो वो रिटल थी दे आर थ्री तो सॉरी यू आर थ्री तो उसमें तीन जो वो अपने बच्चों को वे मे बी डिनोट कर रही है एंड वी आर फोर में वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही है लेकिन जो बट हुई सिक्स सेवन ये जो है ना अभी भी नहीं पता तो वो जो है इसके बारे में कुछ पूछते हैं डॉक्टर कॉली से लेकिन जो डॉक्टर कहली है वो कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं तो फिर जो है ना वो दोनों सोचते हैं कि डॉक्टर कॉली को कम अज कम जो वो इनको बता रहे हैं उससे ज्यादा ही चीजें पता है और वो इनसे छुपा रहे हैं तो फिर जो है ना वो कॉली से कहते हैं कि हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी है इन मेड्स की मतलब जो जो है ना वहाँ पे रह रहे हैं बाकी जो लोग हैं पेशेंट्स हैं उनसे जो है ना उन्होंने मिलना है बात करना है तो कॉली जो है ना वो उनको परमिशन दे देता है कि ठीक है आप बात कर लें अब वो जो है ना वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं पेशेंट्स होते हैं डिफरेंट लोगों ने जो है ना वो डिफरेंट सीन्स किए होते हैं वहाँ पे डिफरेंट क्राइम्स किए होते हैं तो वो जो है ना वहाँ पे मौजूद होते हैं अब उन्हीं जो है ना वो क्रिमिनल्स में से उन्हीं पेशेंट्स में से जो है ना वो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ब्रिजेट कैरन्स अब ब्रिजेंट कैरन से जो है ना वो मिलते हैं और टैडी जो है ना वो डॉक्टर शियन के बारे में जब उससे क्वेश्चन करता है तो वो जो है ना बताता है कि भाई जो डॉक्टर शियन थे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है लेकिन वो गुड डॉक्टर है उसके बाद जो है ना वो टैडी उससे पूछता है एंड्रयू लैडिस के बारे में तो वो ये नाम सुन के फौरन से एक्सप्रेशन लेस हो जाता है वो बंदा को और कोई जवाब नहीं देता फर्दर पे जब वह बहुत चौकीउल से बात करने लगता है तो उनको बताता है कि एंड्रयू लैडिस जो है वो भी यहाँ पर एक पेशेंट था और उसके ऊपर ये चार्ज था कि उसने जो है अपनी वाइफ को मारा है अपनी वाइफ का उसने मर्डर किया तो मे भी जो है ना उन्होंने उसको वार्ड सी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वार्ड सी जो है यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा जो है ना चैम्बर था जहाँ पे जो बहुत ज्यादा सवेज पेशेंट थे उनको रखा जाता था अच्छा जी उसके बाद जो है ना वो अब डिसाइड करते हैं कि क्योंकि उसने जो है ना अपने रेचल ने अपने मुर्दा बच्चों का जो है ना वो जिक्र किया तो मे भी हमें सिमेंट्री ग्रेव यार्ड की तरफ जाके देखना चाहिए शायद हमें कोई क्लू मिले तो वो जो है ना अब डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे ग्रेव यार्ड जाएंगे अब वो ग्रेव यार्ड पहुंचते हैं कौन चक और टेडी और उनको जो है ना वहां पर फिर कुछ हिंट्स मिलते हैं जो कि रैचल ने छोड़े होते हैं अब वो हिंट्स क्या होते हैं कि उसने थर्टीन पत्थर कलेक्ट करके रखे होते हैं और उनको जो है ना फिर वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ग्रुपिंग करके ना उसने पत्थर रखे होते हैं डिफरेंट लेंथ साइज से और डिफरेंट नंबर्स में तो वो जो है ना उस हिंट के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने ही लगता है कि वहां पे वापस से स्टॉम आ जाता है तूफान आ जाता है तो वो उससे बचने के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं और वापस पे टाइम पास करने के लिए बातें बातें करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो अपने वार के एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं और फिर जो है ना वो टैडी जो है ना वो बताता है चाक्यूल को कि मेरे पास जो है ना वो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है मुझे जो है ना यहाँ पर भेजा गया है बाय द सेनेटर हरले फ्रॉम न्यू हेम्पशायर उसने जो है ना वो मुझे भेजा है क्योंकि यहां पर एशलिफ्ट में ना कुछ इलिगल काम हो रहा है कुछ एंटी अमेरिकन काम हो रहा है यहाँ पर कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई जा रही हैं जिनको फिर अलग रैपर से जो है ना वो बेचा जा रहा है और वो ड्रग्स अगर कोई आम बंदा भी लेगा ना तो वो इनसेन हो जाएगा वो पागल हो जाएगा और इसी के लिए जो है ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं कुछ पेशेंट्स के ऊपर यहाँ के अंदर तो मे बी एंड यू को भी उन्होंने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में जो है ना वो भेजा हुआ आगे कहीं पे तो ये जो है ना वो रिवील करता है थोड़ी देर के बाद जो है ना वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनको रेस्क्यू कर लेते हैं उनको तूफान से जो है वो बचा लेते हैं चक को और टैडी को और फिर उनको वो लेके जाते हैं डॉक्टर कोली के पास और फिर वो जो है ना डॉक्टर कोहली से इन्वेस्टिगेट करता है टैडी के सिक्सटी पेशेंट जो है वो कौन है रिकॉर्ड के अंदर जो है नो सिक्सटी पेशेंट है लेकिन यहाँ पर सिक्सटी पेशेंट मौजूद है इंक्लूडिंग रेचे तो अब जो है ना वो सिक्सटी कौन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है लेकिन जो है ना जो डॉक्टर कॉली है वो जो है ना इसका इनकार कर देता है जवाब देने से अब इन्हीं की जो है ना वो कॉन्व के दौरान ही डॉक्टर नाहरिंग्स वो भी एक और डॉक्टर है वहां पर वो खड़े होते हैं और वो उनकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि रेचल जो है ना वो मिल गई है उसको जो है ना वो जो लाइट हाउस है उसके पास एक किनारे से जो है ना वो ढूंढ लिया गया तो अब टैडी और चक जो है ना वो जाते हैं उसका इंटरव्यू करने के लिए तो जो रैचल रे, होती है वो बिल्कुल ही सिंपल आम ही अंदाज में जना वो बैठी होती है कि जैसे उसके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं और उसके बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो जब टैडी एंटर होता है अंदर तो वो टैडी को जो है ना वो अपना हस्बैंड समझ लेती है और फिर वो बताने लगती है कि उसका दिन कैसे गुजरा था थोड़ी देर में वो एकदम से जो ना उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है वो उसके ऊपर हमला कर देती है टैडी पे उसको कहती है कि तुम एक रेपिस्ट हो तुम अच्छे इंसान नहीं हो वगैरह वगैरह तो जिससे जो ना वो टैडी को वापस डिल्यूजन होने लग जाती है और उसको जो ना अपनी वाइफ याद आने लग जाती है उसको मिगरीन होने लग जाता है सर में बहुत ज्यादा तो कॉली जो है ना वो उसको डिफरेंट मेडिसिन देते हैं और जिसकी वजह से वो सो जाते हैं अब जब उठते हैं तो कॉली जो है ना वो उनके सामने ही खड़े होते हैं और फिर उन दोनों के दरमियान में बातें होती हैं कॉली उनको बताता है कि उसको भी जो है ना मोहब्बत हो गई थी किसी से लेकिन वो जो है ना उनको अपना लव नहीं मिला था फिर टैडी उनको अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं और फिर जो है ना जब उस रात टैडी सोता है तो उसको डिफरेंट नाइट में जा रहा था जिसमें उनको अपनी वाइफ डोरलस के ख्वाब आ रहे हैं डिफरेंट और रेचल के ख्वाब आ रहे होते हैं उनके जो फादर थे उनके ख्वाब आ रहे होते हैं और वो सही से सो भी नहीं पाते फिर टैडी जो है ना वो उठता है और वो उन पत्थरों को जो कि जो है ना उनको रैचल ने जो है ना हिंट से थे उनको मिला के जोड़ के देखता है तो वो जो है ना क्या होता है कि जब वो उनको नंबर्स को डिजिट से सॉरी नंबर्स को अल्फाबेट से जोड़ के देखता है तो वो नाम बनता है लेडिस का और वो इसी सोच में ही जो है ना वो बैठा होता है और डे टू भी यहाँ पे फिनिश्ड हो गया अब डेट थ्री जाना वो स्टार्ट होता है और क्या हुआ है कि जो स्टोर आया था हरिकेन आया था तूफान आया था उसकी वजह से बहुत ही नुकसान हो जाता है एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर और जो डॉक्टर काउली है उनके घर की भी आधी रूफ उड़ जाती है तो अब इसी तूफान के चक्कर में क्या होता है कि जो वार्ड सी थी उसके जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फेंसेज लगाई गई थी वो भी जाना डैमेज हो जाती हैं तो चक और टैडी जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि आप जो है ना उनको रास्ता मिल गया वार्ड सी में एंटर होने का तो वो जो है ना वहां पर किसी बहाने से जो है वो वार्ड सी में एंटर हो जाते हैं अब वार्ड सी में जो ना वो एंटर होने के बाद चक और वो जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं चक जो है ना वो ऊपर जाता है कि वो कुछ फाइल्स को देख ले और टैडी जो है ना वो नीचे ठहर के एंड्रियो डेनिस को जो है ना वो ढूंढने लगता है एंड्री एंड्रियो को सॉरी अच्छा वो जो है ना ढूंढते हुए एक प्रिजन के करीब आता है तो उस प्रिजन के अंदर जो है ना वो एक बंदा बैठा होता है जो वॉल्स को जो है ना स्क्रैच कर रहा होता है तो वो उसके करीब जाके जब देखता है तो वो कौन होता है अंदर से जॉर्ज नॉइस होता है रिमेंबर जॉर्ज नॉइस जो है ना वो कौन थे ये वही बंदे थे जिन्होंने जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एसक्लिफ हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कोई इलीगल काम हो रहा है तो अब उसको जो है ना उपरीजन में रखा हुआ था अब टैडी जो है वो उससे बात करता है तो वो उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ और मुझे जो है ना इन लोगों ने डिफरेंट ड्रग्स वगैरह दे के यहाँ रखा हुआ है और अब ये मुझे जो है ना वो मेरा ब्रेन कट करने के लिए मुझे जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज करेंगे फिर वो उसको कहता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो और फिर जो है ना वो उसको ये भी वार्न करता है कि रन यहाँ से जाना वो भाग जाओ तो उसके बाद जो है ना वो कहता है कि यहाँ पर रहते हुए तुम किसी पर भी भरोसा ना करना वो उसको जो ना इवन वो उसके चक के वाले से भी कहता है कि तुम इस पे भी कोई भरोसा ना करना तो वो जो ना उससे बात करने के बाद वो वापस आता है हॉल में और चक से मिलता है और वो दोनों और वो चक को जो ना सारी स्टोरी जॉर्ज नॉइस के बारे में सही सही नहीं बताया बताता क्योंकि जो ना जॉर्ज नॉइस ने उसको क्या कहा था कि यहाँ पर किसी पे भी भरोसा नहीं करना तो वो जो ना वहां से बाहर आते हैं और फिर जो है ना उनको अः लाइट हाउस की तरफ वो देखते हैं क्योंकि जॉर्ज नॉइस ने बताया था कि जो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लाइट हाउस के अंदर हो रहे हैं तो वो दोनों तो डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है ना वो लाइट हाउस की तरफ जाएंगे अब वो जब जाते हैं तो वहां पर जो है ना क्योंकि स्टॉर्म की वजह से काफी चीजें जो है ना वो सामने रॉक्स वगैरह होती हैं तो वहां पर जाना का जो रास्ता है ना वो आसान नहीं होता तो चक जो है ना वो मना कर देता है कि रास्ता ठीक नहीं है मैं जो है ना वहां पर नहीं जाऊँगा वहाँ पे खतरा हो सकता है लेकिन टेडी डैनल्स कहता है कि नहीं मैं वहां पर जाऊँगा तो उसको कहता है कि आप यहीं पर वेट करो और मैं जो है ना वो आगे जाऊंगा अब क्या होता है कि वो जाना आगे जाने लगता है और उन रॉक्स को भी जाना वो देख के उसको याद आता है कि शायद इनके हवाले से भी रेचल सोलैंडो ने जो है ना कोई हिंट्स छोड़े थे उसको जो है ना वो पत्थरों का जो अरेंजमेंट था वो याद आने लग जाता है अब वहां से जो ना वो पहले आगे जा रहा था लेकिन वो सोचता है कि जो है ना मुझे चक से जो ना इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था अब वो वापस आता है चक को बुलाने के लिए और वो देखता है कि वहां पर जाना वो चक मौजूद नहीं है और वो जो है ना उसकी जिस तरह से वो क्या कहते हैं आई चेंज होती है और उसको लगता है कि जो क्लिप्स हैं कुछ झाड़िया है वगैरा उनके नीचे जो ना एक डेड बॉडी पड़ी हुई है अब वो जाके जब चेक करता है तो अब उसको लगता है कि उसने जो ना बहुत गलत किया है उसके ऊपर भरोसा ना करके और चक जो है ना वो अब मर चुका है लेकिन जब वो करीब जाके देखता है वो चक की डेड बॉडी नहीं होती बल्कि वो कोई एक रॉक होती है जिसके ऊपर कपड़ा आ गया होता है तो वहां पर जो है ना वो दोबारा से ही स्टॉर्म जो है वो स्टार्ट होने लगता है तो वो जो वो भागता है और जाता है एक केव के अंदर जो है ना वो पहुंच जाता है अब वो केव के अंदर जो पहुंचता है तो वहां पर जो है ना एक लेडी होती हैं, जिनसे जो ना वो मिलते हैं और वो लेडी बताती हैं कि आई एम द रेचलैंड वो जो है ना रेचल सोलेंट हुए और वो रेचल सोलेंट उसको बताती है कि मैं जो ना बेसिकली यहाँ पर एक डॉक्टर थी और मुझे इन्हीं इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया था तो इन्होंने जो ना मुझे एज अ पेशेंट के तौर पर यहाँ पे एडमिट कर लिया कि ये जो है ना वो पागल है और ये कुछ भी बोलती है तो वो उसको बताती है कि तुम्हें भी जो है ना वो ड्रग्स दी जा रही हैं और ये लोग जो है ना तुम्हें भी पागल डिक्लेयर कर देंगे और अगर जो है ना तुम्हारे थम्स जो है ना ये ट्विच होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि जो ड्रग्स है उनका असर होना स्टार्ट हो गया तो अब जो है ना जो तुमने कोशिश करनी है कि तुमने सोना नहीं है वरना जो है ना डिफरेंट नाइट मेयर्स की वजह से जो है ना तुमको ये लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे और वो उनको बताती है के के ये ये लोग किस तरह तरह एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि की फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको ना तो नींद आएगी और ना ही उनके जो कोई और बेसिक नीड्स है वो नहीं होंगे वो चौबीस घंटे जो है ना वो एक्टिव रहेगी तो अब रैचल से जो है ना वो मिलने के बाद वो वहां से वापिस आता है और जो है ना वो डॉक्टर कौली के पास पहुंचता है और डॉक्टर कोहली उसको सिगरेट ऑफर करते हैं लेकिन वो लेने से मना कर देता है और वो उसके पास आके वापस एंड्रयू लेडिस के बारे में पूछता है और जो है ना वो उसको बताने से फिर से मना कर देता है और फिर जो है ना वो चक के बारे में जब पूछता है कि भाई वो इस तरह से कहता है कि वी आर लीविंग तो फिर वो उसको कहता है डॉक्टर कोहली के वी मतलब तुम तो यहाँ पे अकेले ही आए थे चक तो कोई भी ऐसे ही तुम्हारा और कोई पार्टनर नहीं था तुम यहाँ अकेले आए थे लेकिन वो जो है ना उससे बहस नहीं करता क्योंकि उसको जो है ना रे, रेचल सोलान ने यही समझाया था कि तुमने उससे बहस नहीं करनी नहीं तो वो तुम्हें पागल डिक्लेयर कर देंगे तो वो उसे कोई बहस नहीं करता और जाके जो है वो अपने रूम में बैठ जाता है और अब वो डिसाइड कर रहा होता है कि मैं अब यहाँ से किस तरह से भागू अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो भागना जो है ना डिसाइड कर रहा होता है टैडी लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे चक को ढूंढना चाहिए मे बी ये लोग उसको लाइट हाउस ले गए हो फॉर देयर इलीगल ट्रीटमेंट्स तो वो जो है ना अगली सुबह क्या करता है जाता है लाइट हाउस में और वहाँ पे चक को ढूंढता है अब वहां पर जो है ना वो उसको चक तो नहीं मिलता लेकिन वो जो है ना जब वहां पर हॉल में पहुंचता है तो उसको डॉक्टर कोहली मिलते हैं और डॉक्टर कोहली जो है ना वो उसको वहां पर जो है ना एक सीट ऑफर करते हैं बैठने के लिए और फिर वो वो उसके सामने जाना वो डिफरेंट इनकश करते हैं पहले तो जो है ना वो उसको बताते हैं कि भाई तुम जिस एंड्री उलेडिस को ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली तुम ही हो एंड यू आर नॉट टेडी डैनियल्स बल्कि तुम ही एंड्री उडिस हो और तुम्हें जो है ना यहाँ पर लाया गया था कि तुमने जो है ना अपनी वाइफ का डेथ किया था और वाइफ का मर्डर किया था तुमने और वो क्यों किया था और वो किस लिए किया था कि उसने जो है ना तुम्हारे तीन बच्चों को मारा था वो जो वो स्टोरी बताते हैं रैचल की वो एक्चुअली रैचल की स्टोरी नहीं थी वो डोरोलस की स्टोरी थी तो जो टेडी डैनल्स है वो एक्चुअली एंड्रयू लेडिस है और उसकी जो वाइफ थी उसने ही जो है ना अपने तीन बच्चों को मारा था और फिर उसने जो है ना अपने बच्चों को मारने के गम में अपनी वाइफ के पेट में गोली मार दी थी और इसके बाद जो है ना वो उसको बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ जग घूम रहा था वो एक्चुअली तुम्हारा जो है एक साइक्रेस था जिसका नाम डॉक्टर लेस्टर शीहन था और फिर उसको जो है ना वो जब पहले तो जो है ना टेडी इस बात पे फ्यूरियस हो जाता है कि आई एम नॉट लेडिस आई एम टेडी डैनल्स लेकिन फिर जो ना वो उसको एक ब्लॉक दिखाता है जिसके ऊपर जो है ना वो चार नाम लिखे होते हैं और वो चार नाम कौन से होते हैं एंड्रियो लेडिस टेडी डैनल्स रेचल्स सोलैंडो और डोरलस चैनल्स और वो उसको बताते हैं कि देखो इन सारे ही नाम के जो लेटर्स है वो थर्टीन है और ये सारे नाम ही एक दूसरे के हेपी है मतलब इनको जो है ना अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो दूसरा नाम बनता है तो वो जो है ना फिर उसको बताता है कि भाई अगर जब तक तुम ये बात खुद नहीं मानोगे तो तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा तुम्हारा लेबार्टमे जो है नो नहीं किया जा सकेगा तो जो है ना फिर डॉक्टर लेस्टर शिहन से भी मिलता है जो कि चक बना हुआ था और वो उसको ये बताता है कि आई एम डॉक्टर लेस्टर डॉस्ट्राशन एंड यू आर एंड डैनल्स अब वो क्या करता है कि उसको जो है ना वो ले जाया जाता है और वो सरेंडर कर देता है उसको लेबार्टमे के लिए जब लिटाया जा जाता है तो उसके दिमाग में सारी जो मेमरीज हैं वो वापस से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं कि वो अपने बच्चे थे उसके वो किस तरह से ग्रो कर रहे थे उसको किस तरह से मार दिया गया था फिर उसने किस तरह से अपनी वाइफ को जो है ना वो शूट किया और वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और फिर वो कहता है कि हाँ मैं जो है ना एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ही एंड यूर लेडर्स हूँ क्योंकि यहाँ पर एक रूल था कि जब तक पेशेंट जो है ना खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेता तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं की जा सकती थी ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जा सकता था और वो जो है ना वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही एंड्री लेडिस हूँ और फिर उसके साथ जो है ना वो डॉक्टर लेस्टर शीहन भी आके बैठ जाते हैं उसको कंसोल करने के लिए एंड फिर जो है ना वो क्या करता है कि सामने से उसको नजर आते हैं डॉक्टर कॉली जो उसके साथ जो है ना वो ग्रुप ऑफ और डॉक्टर्स भी होता है जो कि एक्सरे जैकेट लेके आ रहे होते हैं उसके लिए कि अब इनको जो है ना वो वार्ड सी में शिफ्ट किया जाएगा या इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और अभी भी जो है ना वो टेडी टेडिड के दरमियान दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और यहीं पर ही जो वो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है अब यहाँ पर जो है ना वो रीडर्स को ये कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है बल्कि इस बात की जो है ना वो डिटेल डिस्क्रिप्शन क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती कि वो वरियन ऑफ रियलिटी जो डॉक्टर कोहली ने बताया वो ठीक था या वो वरियन ऑफ रियलिटी जो कि हमें बताया था टेडी डैनियल्स ने कि वो एक यूएस मार्शल है वो ठीक था इसके बारे में जो है ना वो क्लैरिटी नहीं दी गई और नॉवल यहीं पर हो जाता है एंड हो जाता है अब हम इसके अंदर डिफरेंट थीम्स के हवाले से बात करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है डिफरेंट थीम्स जो कि डिस्कस की गई हैं इस नॉवल के अंदर आई होप यू गॉट देम And one more important thing, don't forget to subscribe the channel. Thank you.